नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से, बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ मैंने जो आपके सामने प्लांट रखे हुए हैं, इससे आप परिचित हैं। अभी हाल में ही आप इसको देखे होंगे। इसमें हम लोगों ने कहने की मेरी बातें ऐसी रहती है कि मैं करती हूँ, साथ में आप भी जब देखते हो, व्यू करते हो, तो मैं यही समझती हूँ कि आप भी मेरे साथ ही हो। तो हम लोगों ने इसमें ग्राफ्टिंग की थी, वो मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल हो गया है। उसकी आज पट्टी खोली जाएगी और फिर उसको हम लोग देखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये सदाबहार का वो प्लांट है जिस पर ग्राफ्टिंग हम लोगों ने की थी। इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, अभी भी फ्लावर्स इसमें आ रहे हैं। दोस्तों, मुझे आपसे एक बात और शेयर करनी है कि ये पिंक कलर का सदाबहार का आप देख रहे होंगे, इसके ब्रांचेज स्टेम जो है रेड हैं, और इसमें फ्लावर्स पिंक कलर के आ रहे थे पहले, लेकिन अब जो फ्लावर्स इसमें आए हैं वो हल्के पिंक है। इसमें व्हाइटिश ज्यादा दिखाई दे रही है मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ग्राफ्टिंग के कारण ऐसा हुआ है। ये पिंक कलर का था और अब इसमें चेंज आ गया है और ये हल्का पिंक हो गया है। अब देखते हैं कि ग्राफ्टेड, जो हम लोगों ने ग्राफ्टिंग की थी, उसके कलर किस तरह के आ रहे हैं। ये तो उस बाद में समय ही बताएगा कि उसके कलर्स किस तरह के आ रहे हैं। अभी इसमें और भी ढेर सारे फ्लावर्स खिलने वाले हैं। अब दोस्तों, मैं आपको जो ग्राफ्टिंग की गई थी उधर ले चलती हूँ। तो आप देखो, ग्राफ्टिंग इसमें यहाँ पर हम लोगों ने की थी, और इसके नीचे आप देख रहे होंगे स्टेम इसके रेड कलर के हैं और ऊपर इसके ग्रीन कलर के हैं। ऊपर में ये जो लगाए थे हमने वो व्हाइट कलर के फ्लावर वाले थे, और नीचे में जो लगाए गए थे, जिस पर ग्राफ्ट किया गया था, वह पिंक कलर का था। जबकि अभी देखने में ये आ रहा है कि पिंक कलर वाला भी हल्का पिंक में तब्दील हो गया है। इसके कलर्स भी पूरी तरह से पिंक नहीं रह गए हैं। तो दोस्तों, अभी सबसे पहले आप ये ग्राफ्टिंग वाले को देख लो। इसमें लिप्स, नन्हे नन्हे लिप्स आ गए हैं ये, और मैं अब चाहती हूँ कि इतना पर आप लोगों को पहले अपडेट करवा दूँ, फिर जब इसमें और ब्रांचेज आएंगे और फ्लावर्स खिलेंगे तो फिर मैं आपको इसका अपडेट कराऊंगी। तो मैं इसके लिए पहले इसकी जो पट्टी, मरहम पट्टी जो की गई थी, इसको खोलती हूँ। इसको धीरे धीरे करके काटनी है यूं। और इसको धीरे से पकड़ लो, पकड़ के इसको, अभी भी इधर काटने बचे हुए हैं, पकड़ के ही काटे, और बहुत इत्मीनान से, घबराहट के साथ नहीं, स्थिर से इसको धीरे धीरे करके काटने हैं। और फिर इस तरह से इसकी पट्टी जो बांधी गई थी उसको धीरे धीरे करके खोलने हैं। ऐसे करके खोलते चले जाओ, देखो क्या निकलता है, किस तरह का इसका ये होता है। इसमें आपको याद होगी कि मैंने दो बार इसको लपेट दिया था ताकि ये और मजबूती से पकड़ ले, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे यहाँ फिर काटनी पड़ेगी ये। तो इसको यहाँ से काट दिया। अब इसको पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। बहुत कस के हम लोगों ने इसको बांधे थे, तो अब ये इस तरह से इसको खोल लेनी है। यो इस तरह से खोलते जाएं, ये खुद ब खुद खुलते जाएगा, कोई प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप इसको खोलते जाइए। और ये देखिए, अब आपके सामने
ग्राफ्टिंग का ये यहाँ यहाँ लिखा है। देखिए ये ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल रहा, बधाई हो आप सबों को। साथ ही मैं चाहूंगी कि मुझे भी बधाई आप लोग दें। दोस्तों जब कोई ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है, जब कोई कटिंग्स प्लांट बन जाते हैं, तो इतनी खुशी होती है जिसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे अभी इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप देख रहे होंगे किस तरह से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, इधर रेड वाले हैं और बीच में एक ग्रीन वाले हैं। इसमें किस तरह से ऊपर में लीव्स आ गए हैं, अब इसमें ब्रांचेज आएंगे, फिर फ्लावर्स आएंगे। दोस्तों एक चीज़ आपने मार्क की होगी कि ये बहुत छोटे से गमले में लगा हुआ है, तो मुझे इसको बड़े गमले में रिपोर्ट कर लेनी होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही कम सॉयल है, इसमें सॉयल बहुत ही कम अटे हुए हैं, तो इनको मुझे रिपोर्ट कर लेनी होगी दूसरे में, बड़े गमले में। लेकिन मैंने आज इनकी पट्टी खोली है, तो मैं आज इनके साथ कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि एक साथ दो तीन काम प्लांट पर नहीं करने चाहिए। दोस्तों आज मैं इसको यहीं पर रखती हूँ, रिपोर्टिंग जब करूँगी फिर आपसे वीडियो शेयर करूँगी। दोस्तों मैं सोच रही हूँ इसी में थोड़ी सी समय आपको की और लूँ, और आपको अपने एक जोड़ा प्लांट जो नए नए फ्लावर्स अभी दिए हैं येलो कलर के हैं, इनको भी मैं आपसे शो कर दूँ। दोस्तों एक जोड़ा पर असलन जी और अनिल जी की कमेंट्स आई है कि आप एक जोड़ा का मुझे ओवरव्यू करवाओ, दिखलाओ। ये तो पहले पुरानी है, इसके फ्लावर्स देखकर के आपको लग भी रहे होंगे कि इसके फ्लावर्स जो खिले थे, अब देखिए फ्लावर्स धीरे धीरे करके मुरझाने लगे हैं। साथ ही बगल में नया फ्लावर्स भी आ रहे हैं। इन एक जोड़ा की आप लिप्स को देख लें, इसके लिप्स कितने बड़े हैं ये देख लें, किस तरह के लिप्स हैं ये देख लें। मैं अभी थोड़ी देर में जो आपको दिखाने वाली हूँ, तो आपको समझ लग जाएगी कि मैं इसके लिप्स को ध्यान से देखने के लिए आपको क्यों कह रही थी। दोस्तों ये एक जोड़ा को आप गौर से देखें, इसके नन्हे नन्हे फ्लावर्स को देखें, गुच्छे के गुच्छे खिल रहे हैं और वाइट कलर के हैं। मेरे पास तीन कलर के एक जोड़ा मैंने लगा रखी है, येलो कलर की, पिंक कलर की और वाइट कलर की। दोस्तों मैंने वहाँ पर उसके लिप्स को देखने के लिए आपको बोले थे कि आप लिप्स को ध्यान से देख लो, तो मैं आपको ये दिखलाने वाली थी यहाँ पर कि उसके लिप्स कितने बड़े बड़े थे। इसमें देखिए आप इसके लिप्स कितने नन्हे नन्हे हैं। तो आपको अगर इस तरह से एक जोड़ा लेनी पड़े, तो जब आप एक जोड़ा लोगे तो उसके लिप्स को देख करके आप समझ लोगे कि आपको कौन से एक जोड़ा दिए जा रहे हैं। दोस्तों ये नन्हे नन्हे वाले जो लिप्स वाले जो एक जोड़ा हैं, ये चाइनीज एक जोड़ा है। तो आप या तो चाइनीज एक जोड़ा बोलोगे तो नर्सरी वाले जानते होंगे तो आपको दे देंगे, या फिर आप इसके लिप्स को देख करके पहचान लोगे कि एक जोड़ा चाइनीज है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि नर्सरी वाले अपने प्लांट को बेचने के लिए हमसे थोड़ी सी गलत बातें भी कर जाते हैं, लेकिन आपको अगर जानकारी होगी तो आप खुद ब खुद उसको पहचान लोगे। तो दोस्तों ये एक जोड़ा के साथ अपडेट करवाते हुए नगीना शर्मा आज अपने सारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से नमस्कार आदाब बोलती है, और साथ में अपने बच्चों को बहुत बहुत प्यार बोलती है।